नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। तो यश गोट फार्म एंड सीड्स इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, मौसम चेंज हो गया है, बारिश का सीजन खत्म हो गया है और सर्दी का सीजन चालू हो गया है। तो अक्सर हमें हमारे पशुपालन में जरूरत होती है हरे चारे की, और हरा चारा हम अपने पशुओं के लिए हर साल हर सीजन अलग अलग टाइम पर बोते रहते हैं। तो क्या होता है किसान साथियों, अक्सर जो पुराने वाले जो नेपेर घास हो गए, जो अन्य चारा फसल होगी, ये सर्दी के कारण किसान साथियों उसकी पैदावार कम होती है, अपने का सिस्टम थोड़ा सा लो हो जाता है। इसीलिए हमें क्या होता है, जो चारा प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही हमें कम मिलता है। तो इसके ऊपर हमें क्या उपाय योजना बनानी चाहिए, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार से जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों, चारा बीज तो बहुत सारे होते हैं। तो आप हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो, तकरीबन 50-60-70 प्रकार के चारा बीज हमारे पास है। मगर चारा बीज भी अलग अलग सीजन पर बोने जाने वाले अलग अलग चारा बीज है। तो फिलहाल किसान साथियों, अभी सर्दी चालू है और सर्दी के दिनों में लगाने वाले बोए जाने वाले जो चारा फसल होते हैं वो अलग होते हैं। वो कौन कौन से चारा फसल होते हैं ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम बात करने वाले यहाँ पर मेथी घास। जैसे कि मेथी घास को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, मेथी घास बोला जाता है, लूसन घास बोला जाता है, अल्फा अल्फा बोला जाता है, रचका बोला जाता है। ये सभी नाम एक है और घास एक है। ये घास भी हम अभी बो सकते हैं, एक बार बोने से ये 3 साल तक चलता है किसान साथियों। उसके बाद जो सर्दी में बोया जाने वाला प्रोडक्ट है किसान साथियों, अमेरिकन राय ग्रास। ये प्रोडक्ट अमेरिका का है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है किसान साथियों। ये भी सर्दियों को दिनों में बोया जाता है, तो अमेरिकन राय ग्रास भी हम इस वातावरण में बो सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों, जो हम जई बोलते हैं, ओट बोलते हैं, पशुओं के खाने में हरे चारे का काम करता है, इसे भी हम सर्दियों के मौसम में बोने वाले हैं। तो उसके बाद बकरी पालन में जो यूज होता है किसान साथियों, इसे हम स्टाइलो बोलते हैं, स्टाइलो हेमाटा भी इसे कई कई जगह पर बोला जाता है। तो ये स्टाइलो हेमाटा भी हम सर्दियों के मौसम में बो सकते हैं। उसके साथ साथ किसान साथियों, हमारे पास है दशरथ घास। तो दशरथ घास का सिस्टम जो होता है सर्दियों के दिनों में बढ़ने का बहुत ही स्लो होता है, मगर बहुत सारे किसानों के हमें सवाल ऐसे देखने को मिले हैं कि हम दशरथ घास सर्दियों के दिनों में बो सकते हैं क्या नहीं। तो इसकी भी बुआई हम आपको लाइव प्रैक्टिकल में करवा के यहाँ पर दिखाने वाले हैं। वैसे तो किसान साथियों, चारा बीज बहुत सारे हैं, तो फिलहाल हम सिर्फ सर्दियों के दिनों में बोए जाने वाले चारा फसल बोने वाले हैं। और उसी के साथ साथ किसान साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि पिछले दिनों में मैं थाईलैंड दौरे में था, 15-16 दिन थाईलैंड देश में था, और थाईलैंड देश में जो चारा बीज हमें मिले थे वो चारा बीज भी हम यहाँ पर बोने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 प्रकार के विदेशी चारा बीज हमारे पास है, और अभी तक इंडिया में ये बीज कहाँ पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये थाईलैंड के जो चारा बीज हमने लाए हैं किसान साथियों, इसका भी बुआई हम करने वाले हैं, और किस तरह से आते हैं, कौन से मौसम में आते हैं, एक प्रकार का इसके ऊपर जो रिसर्च होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो प्रयोग होता है, वो भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। चारे में तो बहुत सारे चारे आज तक आपने देखे हैं, 50-60-70 प्रकार के चारा बीज। तो क्या होता है ये चारा बीज, लगाना कैसा है, बोना कैसा है, इसकी कटिंग कैसी है, क्या होता है, ये प्रॉपर जो ये नॉलेज होता है, ये जानकारी किसान साथियों को मिलती नहीं है। तो यही जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। तो मेथी घास हम अभी बोने वाले हैं, अभी लगाओगे तो 3 साल तक चलेगा। अमेरिकन राय ग्रास हम अभी इस सीजन में बोएंगे तो इसका लाइफ सिर्फ ठंडी जब तक होती है तब तक ये रहता है, मतलब की जनवरी फरवरी मार्च तक हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। जई भी है, जई की हमें 2-3 कटिंग यहाँ पर मिलने वाली है। उसके साथ साथ स्टाइलो है, स्टाइलो भी एक बार लगाया तो हमें 2-3 साल चलता है, 1-1.5 साल आराम से चलता है। उसके साथ साथ किसान साथियों, जो GB No. 1 गाय बकरी घास, आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर नजर आती होगी, इसी प्रकार से ये चारा रहता है। तो इसे भी हम बोएंगे तो ये 2-in-1 है, इसका हरा चारा भी हम देते हैं और सूखा चारा भी देते हैं। तो इसी प्रकार से किसान साथियों, जो भी सर्दियों के वातावरण में जो प्रोडक्ट है, हम इसका बुआई खुद पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसका बुआई कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं, ये पूरा विस्तार से मैं आपको दिखाने का आगे के वीडियो में प्रयास करूंगा। तो ऐसे ही चारा संबंधित, खेती संबंधित मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहता हूँ। ऐसे ही चारा संबंधित, खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इससे क्या होगा कि ऐसे ही
वीडियोस आपको आने वाली नई नई देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर कि उस वीडियो में इस सभी चारा फसल की बुआई किस तरह से होती है उसके बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।